Hello everyone and welcome to this video. In the previous video, we extracted the income statement into Excel. Now we will import balance sheet into Excel. For that we have to first create a new sheet and rename it as, let's say, balance sheet, and the previous one was income statement. So I need the same format even on the balance sheet sheet. तो ये जो sheet है जिस पे balance sheet हमने import करनी है, इसका फॉर्मेट भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इनकम स्टेटमेंट वाले शीट का है। उसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कॉलम सी में से 2017 का डाटा स्टार्ट होता है, बैलेंस शीट भी 2017 कॉलम सी से ही शुरू होगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इक्वल टू इनकम स्टेटमेंट और इस पर क्लिक कर देता हूँ 2017 पर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कंट्रोल आर, तो वो उससे लिंक हो जाएगा। इसका एक बेनिफिट और भी है, जैसे अगर नेक्स्ट ईयर मैं यही मॉडल बनाता हूँ तो इस कॉलम में 2018 आएगा, फिर 19 और फिर 20, तो तब मैं यहाँ पर 2018 करूँगा तो 18, 19, 20 तो हिस्टोरिकल हो गया। यहाँ अगले साल इस बैलेंस शीट में भी यहीं पर 18, 19, 20 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस से एक बार कंट्रोल जेड करते हैं और ये फॉर्मेट मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऑल्ट ई एस टी फॉर्मेट पेस्ट कर देते हैं। और इस शीट का नाम क्या रखेंगे, इस सेल का नाम बैलेंस शीट, यहाँ पर लिख देते हैं बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट का डेटा है वो हम यहाँ इस कॉलम में कॉपी पेस्ट करेंगे। आप जब भी एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो 3 साल की इनकम स्टेटमेंट मिलेगी, 2 साल की बैलेंस शीट, 3 साल की कैश फ्लो स्टेटमेंट और 3 साल की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये ऐसा ही प्रोसीजर रहता है, ऐसा ही फॉर्मेट रहता है। तो अभी हम बैलेंस शीट में जाएंगे एक बार। ये तो है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कैश फ्लो है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसे इंपोर्ट करें एक्सेल के अंदर। बैलेंस शीट हमें हिस्टोरिकल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ये इसके पास यहाँ पे 3 आइटम्स हैं करंट एसेट के अंदर। कॉपी किया मैंने इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसको एक बार हम रिसाइज कर लेते हैं। जनरली व्यू टैब पर जाकर इसकी ग्रिड लाइंस हम हटा देते हैं, यहाँ से ग्रिड लाइंस हटा देते हैं, बट कुछ लोगों को ये अनकम्फर्टेबल लगता है, तो आई डोंट माइंड इफ यू वॉन्ट टू कीप ग्रिड लाइन्स, बट इन जनरल हम ऑफिस में ग्रिड लाइन्स नहीं रखते हैं। चलिए अब वहाँ पर जाते हैं वापस। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या है, कैश एंड कैश इक्वलेंट, फिर है नेट रिसीवेबल्स और फिर अदर करंट एसेट्स। तो अदर करंट एसेट को एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कंपनी ने क्या क्या चीज़ें छुपा रखी हैं, और ये नोट 5 के अंदर आपको डिटेल मिलेंगे। तो पहले मैं काम करता हूँ, ये वाला डाटा कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं 2019 वाले कॉलम में पेस्ट कर देता हूँ। सेम चीज़ 2018 के लिए भी कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो अदर करंट एसेट हैं, इसके नोट में जाएंगे और जाके चेक करके आएंगे कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या क्या इसने छिपा रखा है। टोटल अमाउंट है 652 का, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि ये डाटा मिलता है कि नहीं मिलता। हालांकि मैं देख चुका हूँ पहले से ही, बट कभी कभी नहीं भी मिलती डिटेल। मेरा मतलब ये है कि जैसे 652 है, इस ये टोटल अमाउंट अदर करंट एसेट का 2652 है, तो इसमें क्या क्या कंपनी ने छिपा रखा है वो देखने हम जा रहे हैं, बट कभी कभी वो टेबल नहीं मिलता है। तो चल के देखते हैं इसमें फिलहाल इस कंपनी ने क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका टेबल है, यहां देखेंगे आप तो अदर करंट एसेट में कंपनी इन्वेंट्री, ड्रिलिंग एडवांसेस एंड प्रीपेड एसेट्स, ये 3 चीजें उसने इंक्लूड कर रखी हैं, और टोटल अमाउंट कितना है 652। तो यही 652 है जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखा रही है। तो हमें इसमें से ये जो इन्वेंट्री है ना, इसको निकाल देना है, और बाकी आइटम को भले ही हम इकट्ठा रखें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक यहाँ पर जो है मैं रो इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं इन्वेंट्रीज, ठीक है। और इन्वेंट्री मेरी 2019 में कितनी है, 502, ठीक है। वो 502 मैंने क्योंकि ऊपर लिखा है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, इक्वल टू 652 माइनस 502, बस तो 150 रह जाएगा। तो टोटल तो वही है ना 652, टोटल तो 652 है, बट 2 आइटम को इकट्ठा रख लिया और तीसरा पहला आइटम जो है ये इसको अलग कर लिया। सेम 2018 के लिए भी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 401 और इसको इसमें से घटा देते हैं कि 779 माइनस 401, बस। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लाइट कलर, ये फिर हमने टोटल कर दिया। इसके बाद इसको कंट्रोल आर, तो ये क्या हो गया आपके टोटल सीए, सीए मतलब करंट एसेट्स। इसके बाद आगे देखते हैं कि कंपनी क्या क्या आइटम दे रही है, वापस चलते हैं।
ये हम वापस बैलेंस शीट में आ गए, तो यहाँ पर इसके पास क्या क्या आइटम्स हैं देखो, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, तो ये तो हेडिंग है, इसको नहीं लेंगे हम। ये जो चार आइटम्स हैं, इन चारों आइटम पे देखो क्या ध्यान है, प्रूव्ड प्रॉपर्टीज, अनप्रूव्ड प्रॉपर्टीज, गैस गैदरिंग फैसिलिटीज एंड अदर। ये अदर क्या है देखा जा सकता है, बाकी इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप हर आइटम में क्या क्या चीज़ कंपनी छिपा रही है उसको जा जा करके आप चेक करके आए, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, इसमें से ये अडू प्रॉपर्टीज, अनप्रूव्ड प्रॉपर्टी, प्रूव्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है, गैस गैदरिंग फैसिलिटीज, ये ठीक है, ये अदर्स, इन सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ अदर्स लिखना काफी है। फिर उसके बाद आपका आएगा ग्रोस पीपीएनडी, फिर आएगा एक्यूमुलेटेड डीडीएनए, फिर आएगा आपका नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए क्या करके लेके आते हैं अब इसको, तो ये चार आइटम्स हैं, इन्हें कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, इन चारों को टोटल करेंगे तो ग्रोस हो जाएगा, और इसी तरीके से इन चारों को भी मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, और इन चारों का भी टोटल कर लिया। उसी तरीके से 28987, ये क्या, एक्यूमुलेटेड डीडीएनए टिल डेट, टिल द बैलेंस शीट डेट, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, फिर ये 28335, ये क्या है, 2018 का डीडीएनए है, इसको यहाँ पर पेस्ट किया। इन चारों को मैं एक लाइट कलर दे देता हूँ और इसको भी कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेट निकालते हैं कि दिस माइनस दिस, तो ये आपके नेट हो गए। इसके बाद देखो कोई और आइटम है क्या, हाँ जी दो आइटम और भी हैं, एक तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये भी है, और एक डेफर टैक्स का आइटम भी है, कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को कॉपी करते हैं, ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेम चीज़ इन दोनों को भी कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, टोटल एसेट्स निकाल देते हैं। ये देखो लिखा है ना 18107, इसके लेफ्ट में आइटम नहीं लिखा है, लेबल नहीं लिखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं। तो टोटल एसेट के लिए इक्वल टू, पहले करंट लिया, फिर ये लॉन्ग टर्म लिया, प्लस ये, प्लस ये, वैसे प्लस का निशान बजाय मैं क्या करता हूँ, सम फंक्शन लगा देते हैं, सम, सम किसको, इसको, ये और फिर ये दोनों, फिर कंट्रोल आर, ये दोनों को मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, इनकी वैसे जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको बैठा देते हैं, इसको बस थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारे एसेट्स हमने एक्सेल में इंपोर्ट कर लिए, अब हम लायबिलिटीज लेके आएंगे, तो लायबिलिटी के लिए थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पे, तो ये करंट लायबिलिटीज के आइटम्स हैं, इन्हें मैंने ऑल्ट के साथ कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको हटा देते हैं, तो ये आएगा आपका टोटल करंट लायबिलिटी, और फिर इधर चलते हैं, तीनों आइटम कॉपी किए, थोड़ा स्पीड से जा रहा हूँ अगर मैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हैं, वैसे मैं कर इस टाइम कुछ भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ डेटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, स्पीड से जाने से भी आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आपको जैसे मैं कॉपी कर रहा हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट करके ही बिल्कुल स्क्रैच से मॉडल बनाना है। ये नहीं कि आपने बनी बनाई फाइल उठा ली और इसका मॉडल बनाना शुरू कर दिया, नहीं, वीडियो देखते रहना, वीडियो देखना और फिर डाटा कॉपी पेस्ट करना एक्सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये तीन आइटम्स आपके सामने हैं, कॉपी करके पेस्ट किया, ये हटा देते हैं, इसको कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, तीनों आइटम कॉपी किए, पेस्ट कर दिया, इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वैसे आप चाहो तो सबको एक साथ लास्ट में बैकग्राउंड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि आप अभी दो या बाद में दो, इनको टोटल कर लेते हैं, कंट्रोल आर, ओके। इसके बाद है ये रिडीमेबल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, ये फर्स्ट टाइम इस कंपनी में आया है, ठीक है, तो इस साल कितना ये 555 और ये है 0। रिडीमेबल नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है एक टेम्परेरी इक्विटी, इस इक्विटी को कंपनी जब चाहे एक प्री डिफाइंड प्राइस पर प्री डिफाइंड डेट पर कन्वर्ट किया जा सकता है कैश में, फिक्स एसेट्स में, लैंड में,
या किसी दूसरे इन काइंड में, मतलब ये जो इक्विटी है कॉमन इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी में भी कन्वर्ट करी जा सकती है, कैश में भी कन्वर्ट करी जा सकती है, फिक्स एसेट में भी कन्वर्ट करी जा सकती है। इस इक्विटी, ये भी एक इक्विटी है बट ये टेम्परेरी इक्विटी है, इसको जब इशू किया जाता है तो उस टाइम पर डिफाइन कर दिया जाता है कि इस तारीख को 2-3-4 साल के बाद आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे काइंड में, दूसरे आइटम के अंदर। कैश में कन्वर्ट करना चाहो कैश में कर लो, प्रेफरेंस स्टॉक में, कॉमन इक्विटी में, फिक्स एसेट्स में, या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। ये ऑप्शन उनके पास होता है जिनसे हम इन्वेस्टमेंट कराते हैं, इक्विटी जिनको इशू करते हैं। चलिए उसके बाद ये इक्विटी के आइटम्स हमारे जो भी हैं इनको हम एक्सेल में कॉपी करेंगे। तो सबसे पहले सारे एक साथ भी आ सकते हैं, कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया, इनकी ज़रूरत नहीं है। जो जो एक्स्ट्रा गार्बेज आता है उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इजिप्ट और एल्टस का अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको एक ही साथ लिख दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे आइटम मैंने कॉपी किए, पेस्ट किए, उसी तरीके से इनको भी मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट किया, इनका टोटल निकाल दिया कंट्रोल आर। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पर इक्वल टू 1275407 और इस साल में क्या है 1137 प्लस 73, इन दोनों को मैंने क्या किया एक लाइट कलर दे दिया और इन सबको भी एक लाइट कलर दे दिया, ठीक है। अब टोटल इक्विटी क्या होगी, दिस प्लस दिस, लास्ट में क्या निकालना है टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी इक्वल टू करंट लायबिलिटी ये वाली, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ये जीरो भी ले लेना प्लस ये, उसके बाद कंट्रोल आर। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है कि वी हैव लेफ्ट अकाउंट्स अ लॉन्ग टर्म डेट, हमें लॉन्ग टर्म डेट हमने यहाँ पे नहीं लिखा, तो लॉन्ग टर्म डेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट कौन सा है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो आइटम है ना हमारा लॉन्ग टर्म डेट, ये आइटम हमने लिखना भूल गए, जो कि क्या है 8555 यहाँ पर, और ये कितना है 8093, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट। इसको भी मैं एक बैकग्राउंड कलर लाइट में दे देता हूँ, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, इसको फॉर्मूला अपडेट करना है कंट्रोल आर, ठीक है। अब हम यहाँ पे बैलेंस चेक कर लेते हैं, बैलेंस चेक इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी, बैलेंस चेक इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी, तो जीरो आएगा, इसे कंट्रोल आर करेंगे ये भी जीरो आएगा। तो इसके साथ हमने बैलेंस शीट करेक्टली एक्सेल के अंदर कॉपी कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फोरकास्ट कैसे करते हैं, और फोरकास्ट करने के टाइम पे सबसे पहला जो आइटम है वो क्या है, वो है रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करते हैं उसके बारे में हम कुछ डिटेल्स स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।